दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं परमिंदर आपके चैनल पे आज आपके लेके आया हूँ 140 गज में बना हुआ 5 BHK इंडिपेंडेंट हाउस, जो कि विद मोमटी रहने वाला है। प्रॉपर डबल स्टोरी कवर्ड और मोमटी के साथ हमारा जो है सेक्टर 125 में 140 गज में हमारा घर रहने वाला है। बिल्कुल जलवायु टावर्स के साथ में हमारी जो लोकेशन रहने वाली है, डेवलप्ड एरिया में फ्रंट साइड पे, फ्रंट पॉकेट पे हमारा ये घर हमें मिलने वाला है। अगर आप मैं इसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही अच्छी हमें जो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी घर के अंदर मिलने वाली है। और फ्रंट एलिवेशन देखें तो प्रॉपर हैवी हमारा जो है फ्रंट एलिवेशन हमें मिलने वाला है, जिसमें कि ऊपर देखें अगर थर्ड फ्लोर पे हमें जो है विद मोमटी मिलने वाली, जिससे कि हमने जिसका एलिवेशन है वो हैवी बनाया हुआ है। अगर मैं कार पार्किंग की बात करूँ तो प्रॉपर जो है हमें कार पार्किंग की स्पेस मिलने वाली है। अगर यहाँ पे देखें 3 गाड़ियों की हमारे पास पार्किंग रहेगी, एक परम यहाँ पे प्रॉपर हमारी गाड़ी पार्क हो जाएगी और एक गाड़ी हमारी जो है इस साइड पार्क हो जाएगी। अगर हम घर के अंदर देखें तो प्रॉपर जो है 7 सीटर भी गाड़ी है हमारी, तो यहाँ पे पार्क हो जाएगी हमारी। और इस साइड जो है हमने 2 व्हीलर की स्पेस रखी है। नीचे 3000 लीटर का वाटर टैंक हमें मिल जाता है। तो बहुत ही बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन के साथ हमारा जो घर है हमें मिलने वाला है। आप इस साइड देखें तो प्रॉपर जो है मोटर हमने लगा दी है, जी इन्वर्टर का प्रोविजन हमारा नीचे आ जाता है। डबल जाली वाला मैश डोर हर एक रूम के साथ मिलने वाला है हमें। और अगर हम मेन डोर देखें तो प्रॉपर वुडन के हमारे जो है डोर्स रहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो है आपकी स्मार्ट लॉक के साथ हमारे जो हमें गेट मिलने वाले हैं। जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देखा, अगर जब हम एंटर करते हैं तो राइट साइड पे आ जाता है जो हमारा LED पैनल। तो इस साइड जो है राइट प्रॉपर जो LED पैनल बना रखा है जी हमने, जो कि काफ़ी हैवी हमारा जो है वुडन के वर्क के साथ मिल जाता है। यहाँ पे हमारी जो है डाइनिंग की स्पेस मिल जाती है। और अगर LED पैनल देखें तो प्रॉपर हैवी रहने वाला है जी। प्रॉपर की हमारे पास जो है स्टोरेज मिल जाती है, सारे ही ब्लैक ग्लास के अंदर हमें LED लाइट्स हमें मिल जाती है। इस साइड आ जाता है जी हमारा ड्राइंग एरिया, जिसमें कि प्रॉपर जो है सेपरेट हमारा ड्राइंग एरिया मिलने वाला है। तो जिसमें वॉल पे हमें वॉल पेपर मिल जाता है, ऊपर बहुत ही प्यारी जो है हमारी फॉल सीलिंग मिल जाती है। और प्रॉपर जो हैवी पार्टीशन के साथ हमने ड्राइंग डाइनिंग को सेपरेट किए जी। और नीचे अगर आप देखें तो ब्लैक वाली जो है टाइल्स लगाई हैं, जिससे कि कलर कॉम्बिनेशन डार्क ब्राउन, ब्लैक और लाइट ब्राउन के साथ काफ़ी प्यारा लगता है जी। अगर मैं बेडरूम्स की बात करूं तो हमें सारी ही अपने घर में जो है एक्सेसरीज मिलने वाली हैं। अगर हम जब एंटर करते हैं तो अगर आप वार्डरोब्स देखें तो 3 लेयर वार्डरोब्स इसमें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो अपनी जो है 3 अलमीरास मिल जाती हैं। तो प्रॉपर जो है कैबिनेट्स में स्पेस हो जाती है जी हमारी, काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। और सेंटर में हमने जो है ब्लैक ग्लास के साथ जो है कैबिनेट लगाए, ऊपर भी हमें जो है कैबिनेट्स मिल जाते हैं। और इस साइड हमारा ड्रेसिंग मिल जाता है, जिसमें हमारे ड्रेसिंग में भी हमें स्टोरेज मिल जाती है। फिर अगर हम इस साइड देखें तो प्रॉपर हमारे पास जो है बेड बैग जो है वो हमें मिल जाता है, पैनल जो हमारी बेड की बैक साइड लग जाता है। बाकी आजकल क्या है जी, लेदर वाली बैग चलती है, तो उसका हमने प्रोविज़न दे दिया। यहाँ पर आपका जो बेड लगेगा सारी पैनलिंग हमने लगा दी है जी। तो ये चीज़ें सारी जो हमारा एक्चुअल घर है जी, सारी जो चीज़ें देख रहे हैं इंक्लूडिंग हमें मिलने वाली। तो ये आ जाता है LED पैनल जो है भी ऊपर तक वॉल और टॉप वॉल तक हमारा जो है टॉप रूफ तक हमारा LED पैनल हमें अटैच मिलने वाला है। अगर हम वॉशरूम की बात करें तो बहुत ही अच्छे साइज और स्पेस के साथ हमारे जो है वॉशरूम के साइज रहने वाले। अगर आप देखें वॉशरूम में स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है जी। वॉशरूम 140 गज का प्लॉट डिमेंशन काफ़ी अच्छा हो जाता है 25x50 के डिमेंशन के साथ, जिसमें कि आपने देखा ये हमारा जो है टैप का प्रोविजन, वॉल माउंटेड सीट आ जाती है, ये हमारा जो है शॉवर का एरिया मिल जाता है। काफ़ी अच्छी हमारे पास स्पेस मिल जाती है वॉशिंग एरिया में। बैक साइड हमारा जो है वॉशिंग एरिया रहने वाला, थोड़ा सा सामान पड़ा है। पीछे अगर आप देखें तो फुल वॉल तक जो है हमने ग्रिल लगा रखी, तो प्रॉपर जो है पोर्शन हमारा सेपरेट हमें मिलने वाला है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी स्पेस हमें मिल जाती है। तो ये आ जाता है जी हमारा सेकंड बेडरूम, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं प्रॉपर जो है सारी ही जो आपने उस साइड एक्सेसरीज देखी सेम एज इट इज़ हमारी जो है एक्सेसरीज हमें सेकंड बेडरूम में मिलने वाली है। और उसके अलावा बैक साइड जो आपने पैनल देखे
वो सारे ही पैनल जो हैं वुडन की पैनलिंग हमें इस साइड भी मिल जाती है, प्रॉपर पैनलिंग हो रखी है जी रूम के अंदर। और उसके अलावा इस साइड जो है अलमीरा प्रॉपर हमें थ्री लेयर्स अलमीरा मिल जाती है। और अगर आप एलईडी पैनल का डिज़ाइन देखें तो बहुत ही प्यारा हमारा एलईडी पैनल का डिज़ाइन हमें मिलने वाला है, जिसमें कि ये सारी पैनलिंग हो रखी है, हैवी पैनलिंग हो रखी है, सारा जो वुडन का काम है हमें घर के अंदर हैवी देखने को मिल जाता है। दिया जाता है अटैच वॉशरूम, काफ़ी अच्छी लाइटिंग वॉशरूम के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। टाइल्स कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा यूज़ किया, वुडन का काम हमारा हैवी रहने वाला है। और जो लाइटिंग कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो घर को हमारे जो है बहुत ही अच्छी बनाती हैं, तो वो जो हमें बहुत ही अच्छी मिलने वाली। तो बाहर से स्टेयर चढ़ती हैं जी हमारे घर की, और मम्पटी हमें इस घर में मिलने वाली है, तो बहुत ही अच्छी हमें जो है स्टोरेज मिल जाती है, मम्पटी का हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है। स्टेयर्स में प्रॉपर जो है ग्रेनाइट लगा हुआ है, स्टील की हमें जो है रेलिंग मिल जाती है, रेडी टू मूव जो है हमारा घर रहने वाला है, पूरा घर जो है तैयार हो चुका है। अभी बस एक दिन दो दिन ही हुए हैं जो फिनिशिंग होके अपनी जो है ख़त्म हुई है घर की, और मम्पटी वाले घर अब जो है बहुत कम रहेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन हमारे लिए हमें मिल जाती है। बाकी अगर आप इस साइड देखें तो ये भी एलिवेशन को हमने हैवी बनाया है, स्टील जो आयरन की जो है रेलिंग लगी हुई है, यहाँ पे हमें जो स्टील की ग्लास में हमारी जो है रेलिंग मिल जाती है, ये हमें बीम देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा लास्ट तक हमारा जो है काफ़ी अच्छी बालकनी मिल जाती है, टेरिस, ये जो सारी हमारी टाइल्स लगी हुई हैं, प्रॉपर डेवलप्ड एरिया है जी, सारी फैमिलियाँ रह रही हैं, सारे घर बने हुए हैं जी यहाँ पे। ये आ जाते हैं जी, हम पहुँच चुके हैं हमें फर्स्ट फ्लोर पे, मैश डोर और अपना वुडन का डोर हमें मिलने वाला है, और प्रॉपर ये 5 BHK पोर्शन रहने वाला है जी, 5 BHK पोर्शन बनाया हुआ है हमने, जिसमें कि अगर आप देखें तो प्रॉपर जो है अपनी बहुत ही अच्छी स्पेस में ओपन स्पेस हमारी किचन रहने वाली है, वुडन का काम तो हो ही रखा है। ये जो स्टोरेज है बहुत ही अच्छी क्रोकरी यूनिट जो है लुक अपनी घर की बहुत ही अच्छी बना रही है। यहाँ पे हमारे सोफा सेट लग जाएंगे क्योंकि ये घर को 5 BHK बनाया, तो उस अकॉर्डिंग जो है स्पेस को हमने यूटिलाइज किया है। अगर आप इस साइड देखें तो ये आ जाता है हमारा फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, जिसमें ये अलमीराज आ जाएंगी। इस साइड वॉलपेपर, वॉलपेपर का भी जितने भी डिज़ाइन यूज़ किए हैं वो बहुत ही प्यारे यूज़ किए हैं, ड्रेसिंग इंक्लूडिंग रहने वाला है, LED पैनल इंक्लूडिंग रहने वाला है। अगर आप इसका वॉशरूम का साइज़ देखें तो वो आपको बहुत ही पसंद आएगा, जो इतने बड़े जो साइज़ के वॉशरूम है, अभी सिर्फ 200 गज का जो प्लॉट है या 250 गज के जो प्लॉट है उसमें इतने बड़े जो है हमें स्पेशियस वॉशरूम देखने को मिलते हैं, जो कि हमने आपको इस घर में प्रोवाइड किए हैं। टाइल्स को भी बहुत ही प्यारा मिल जाता है, ऊपर फॉल सीलिंग मिल जाती है बहुत ही प्यारी, और काफ़ी अच्छी स्पेस के साथ जो है हमारा घर हमें मिल जाता है। चलिए आपको दिखाती हैं जी हमारा सेकेंड बेडरूम, तो ये आ जाता है जी हमारा सेकेंड बेडरूम, जिसमें काफ़ी अच्छी साइज 12x15 के अप्रॉक्स हमारे जो है रूम्स रहने वाले हैं, वॉलपेपर काफ़ी प्यारा देखने को मिल जाता है। इस साइड जो है हमारे स्लाइडिंग वार्डरोब्स आ जाते हैं, और इस साइड हमारा LED पैनल आ जाता है, और अटैच आ जाता है हमारा वॉशरूम। सारे ही वॉशरूम के साइज काफ़ी अच्छे हमें मिलने वाले हैं, और 5 BHK घर हो जाता है, 140 गज में 5 BHK घर विद मम्पटी घर, और सेक्टर 125 जलवायु टावर्स के बिल्कुल पास में ये लोकेशन हमें मिल जाती। तो ये आ गया जी हमारा फिफ्थ बेडरूम, जिसमें कि स्पेस आपने देखी, कलर कॉम्बिनेशन देखा बहुत ही प्यारा, वॉलपेपर अगर टेक्सचर वॉलपेपर का कलर कॉम्बिनेशन देखें तो वो बहुत ही प्यारा रहने वाला है, और वार्डरोब्स का सनमाइका के कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा चूज़ किया हुआ है। सारे ही वुडन के हमारे जो है डोर्स रहने वाले हैं, पॉलिश वाले डोर्स रहने वाले हैं, और वॉशरूम्स में स्पेस बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। बहुत ही अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में हमें जो है जो घर मिलने वाला है सेक्टर 125 सनी इनक्ले मोहाली में, तो इसकी डिटेल्स जानने के लिए जल्द से जल्द दिए गए नंबरों पर मुझे कॉल करें। बाकी जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे पता है आप वीडियो देख लेते हैं बट लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नीचे कमेंट करें। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।